जय भारत। आप देख रहे हैं जागृति न्यूज और जागृति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आईआईटी के 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों में एमबीबीएस के लिए प्रवेश। 11वीं 12वीं नीट और एम्स की संपूर्ण तैयारी के लिए महाराष्ट्र का एकमात्र आईआईटी नांदेड़ और लातूर। पूरे देश भर में पालघर जिले के डहाणू तहसील में गढ़चिंचली गाँव में जो दो साधुओं की हत्या हुई, उस साधुओं की हत्या को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कुछ लोगों ने आरोप भी किए गए हैं, लेकिन क्या ये बातें सब सच है ये जानेंगे हम। अभी देखते हैं कि पालघर की जो घटना है उस घटनाओं को हवा किसने दी, मीडिया के माध्यम से इस घटना को किस तरह से मोड़ लिया जा रहा है, किस तरह का मोड़ दिया जा रहा है। अभी रिपब्लिक भारत का जो आपने देखा होगा कि रिपब्लिक भारत का जो अर्णव गोस्वामी है, अर्णव गोस्वामी ने इसको तो बहुत बड़े पैमाने पर स्टंटबाजी किया और ऐसा कहा है कि कांग्रेस के लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है। जब रिपब्लिक भारत के ऊपर ये न्यूज चला रहे थे तो बाजू में जो ऐसा लग रहा था कि अर्णव गोस्वामी की गाड़ी कुछ हमलावरों ने वो जलाई है, ऐसा वो जलवा दिखा रहे थे बाजू में, और सच देखा तो उसकी गाड़ी के ऊपर काले कलर की स्याही फेंकी हुई है। अभी ये काले कलर का आप देख सकते हैं कि काला कलर जो है वो निषेध का कलर है और इसके इसका संकेत दिया जाता है कि अर्णव गोस्वामी की जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता का निषेध किया जा रहा है। वो क्यों निषेध किया जा रहा था कि अर्णव गोस्वामी ने कांग्रेस को सवाल पूछा था, सोनिया गांधी से सवाल पूछा था कि अब सोनिया गांधी चुप क्यों है। लेकिन ये सवाल जब अर्णव गोस्वामी कांग्रेस के लोगों को पूछ रहे थे तो क्या अर्णव गोस्वामी ने एक साल पहले स्वामी अग्निवेश के ऊपर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने जब हमला किया था तब अर्णव गोस्वामी ने किसको सवाल पूछा था? क्या किसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, किसी नेताओं को, किसी मंत्रियों को अर्णव गोस्वामी ने सवाल पूछा था? अभी इसी को लेकर स्वामी अग्निवेश जी भी अभी सवाल पूछ रहे, देखेंगे स्वामी अग्निवेश जी क्या कहते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जिस निर्ममता के साथ, बर्बरता के साथ दो साधुओं की हत्या कर दी गई, उसकी सारे देश में और दुनिया में निंदा हो रही है और मैं पुरजोर उसकी भर्त्सना करता हूँ। सुशील गिरी जी महाराज और साथ में कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज और उनके ड्राइवर नीलेश, इन तीनों को पुलिस ने बचाने की कोशिश की, उनकी गाड़ी से निकाल करके अपनी गाड़ी में भी डाला, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की गाड़ी से निकाल करके उस इलाके के लोगों ने उन्हें बच्चा चोरी के अपराध में पीट पीट करके मार डाला। ये बहुत ही जघन्य घटना है। यदि सचमुच का भी कोई कांड ऐसा था बच्चा चोरी का, तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि वह कानून अपने हाथ में ले ले और स्वयं उसका इलाज कर दे। ये जंगल का भी राज नहीं है इस प्रकार से, तो मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ। इसके साथ ही एक सवाल उठ रहा है, पूरे देश में उठ रहा है कि ये मॉब लिंचिंग पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी कई कई घटनाएं, बड़ी दर्दनाक घटनाएं, दादरी हमारे दिल्ली के पास वहां अखलाक की इसी तरह से मॉब लिंचिंग करके रात के 10 बजे मंदिर के लाउड स्पीकर चिल्ला करके लोगों को इकट्ठा किया गया और अखलाक के घर में घुस करके उस बेचारे की ईंटों से पीट पीट के सिर कुचल करके हत्या कर दी गई और केवल इस एक आरोप के आधार पर कि उसके घर में, उसके रेफ्रिजरेटर में वो मांस रखा है। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, फोरेंसिक एक्सपर्ट की भी जांच से ये बात की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन अखलाक के हत्यारों को आज तक कोई सजा क्यों नहीं हुई? जुनेद के हत्यारों को क्यों नहीं हुई है? पहलू खान के हत्यारों को क्यों नहीं हुई? रिजवान के हत्यारों को क्यों नहीं हुई? क्या ये मॉब लिंचिंग के शिकार नहीं हुए थे? और मेरे ऊपर जब हमला हुआ पाकुड़ में, झारखंड में, तो कोई तो ये नहीं कर सकता था कि मैं मुस्लिम हूं और मैंने कोई गोमांस का भक्षण किया या बेच रहा हूं या गाय इधर उधर से ले जा रहा हूं। मेरे ऊपर क्यों हमला हुआ? किसके कहने पर हुआ? और 17 जुलाई 2018 को हमला इतना जबरदस्त था, मॉब लिंचिंग कहिए या उस दिन मेरी हत्या पूरी हो गई होती,
उसी दिन सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर रहा है 17 जुलाई को ही कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाए राज्य सरकारें। अभी तक राज्य सरकारों ने तो पता नहीं क्या कानून बनाया है, लेकिन 17 जुलाई 2018 और 17 अगस्त ठीक एक महीने के बाद दिल्ली में मेरे ऊपर फिर एक बार अटैक हुआ। दिल्ली में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय, और वहां पर पहुंचने के साथ ही मेरे ऊपर गद्दार है गद्दार है और जय श्री राम के नारे लगाते हुए इसी तरह के लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। दोनों घटनाओं की आज तक किसी बीजेपी के प्रमुख नेता ने या किसी नेता ने निंदा नहीं की, खुल करके बयान नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरी हत्या हो गई होती या हत्या के बराबर का एक जानलेवा हमला हुआ उस पर इस प्रकार चुप्पी साधे रखना बीजेपी के आरएसएस के लोगों को शोभा देता है? क्यों नहीं बोले उस समय लोग? और आज आगे बढ़कर के पालघर की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला किया और कर रही है। मैं बधाई देता हूं उद्धव ठाकरे जी को और उनकी पूरी सरकार को। उन्होंने 101 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और बड़ी सख्ती से काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी साथ साथ उठता है कि यदि वहां पर 2 से लेकर 5 और 5 के बाद 15-20 पुलिस वाले आ भी गए थे और उनको अपनी गाड़ी में बैठा भी लिया, उस गाड़ी से निकाल करके जब उनको मारपीट कर रहे थे तो पुलिस ने हवा में गोली क्यों नहीं चलाई, किसी के पैर में गोली क्यों नहीं चलाई, किस काम के थे उनके रिवॉल्वर और बंदूक, कैसे वो रक्षा करते अपनी और अपने 3-4 लोगों की जो उनकी शरण में आए थे। इस प्रकार के सवाल उठते रहेंगे और मॉब लिंचिंग का ये पूरा सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा तो ये काली होती जा रही है पूरे के पूरे हमारे प्रजातंत्र के ऊपर, कानून की व्यवस्था के ऊपर। लोगों का यकीन उठता जा रहा है कानून की व्यवस्था से, और इसलिए भी शायद लोग खुद कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन मैं आज फिर बड़ी विनम्रता से जानना चाहूंगा बीजेपी के नेताओं से, आरएसएस के नेताओं से, एबीवीपी के नेताओं से, मेरे ऊपर हमला आपने क्यों किया, किसके द्वारा करवाया गया, और आज लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं, क्यों नहीं वो लोग गिरफ्तार हुए और क्यों नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई है जवाब देने वाला? जिस समय हमला हुआ था झारखंड में, उस समय तो बीजेपी की रघुवर दास जी मुख्यमंत्री, उनकी सरकार थी, और मैं मान के चलता हूं कि उन्होंने करवाया, जानबूझ के करवाया, और कहीं ना कहीं केंद्र से इस बात की सहमति थी तभी वो इस प्रकार का अंजाम दे पाए। लेकिन उसके बाद तो हेमंत सोरेन की सरकार आ गई। ये हेमंत सोरेन वही है जब विपक्ष में रहते हुए इन्होंने मेरे समर्थन में मेरे ऊपर जो अटैक हुआ था जानलेवा हमला, तो राज्यपाल भवन के सामने का जो मैदान है उसमें विशाल सभा को वो संबोधित करने के लिए आए, मेरे प्रति पूरी अपनी आत्मीयता जताई, अपने घर ले गए, भोजन कराया और कहा स्वामी जी हम सदन को चलने नहीं देंगे, इस मामले को खूब जोर से उठाएंगे। उस समय तो क्या उठाया पता नहीं, आज तो उनकी सरकार है पिछले कई कई महीनों से, और कई कई बार उनसे फोन पे संपर्क किया हमारे साथियों ने, चिट्ठियां तक गई हैं, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं। हेमंत सोरेन की सरकार चुप क्यों है इस मुद्दे पर? क्यों ने उन लोगों के खिलाफ, इनके खिलाफ बाकायदे नामजद एक FIR दर्ज है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सब सवाल उठने चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे ऊपर हुआ हमला था, लेकिन इस तरह के यदि पहले हुए हमलों के बारे में हम गंभीर नहीं होते हैं तो आगे भी इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इनको सांप्रदायिक रंग देना है तो पूछा जाना चाहिए कि स्वामी अग्निवेश को किस संप्रदाय का मान करके इस ABVP और RSS और BJP के लोगों ने हमला किया। तो साथियों, ये बहुत ही निंदनीय है किसी भी साधु की, सन्यासी की, मैं कहता हूँ
साधु संन्यासी भी ना हो, साधारण व्यक्ति भी हो, तो उसकी भी क्यों हत्या कर दी जाए किसी भी उसके मामले में। और वो आदिवासियों का इलाका है, पालघर का इलाका। मैं गया हूँ कई बार वहाँ के ईंट भट्टों में, मैं गया हूँ कई बार और चीज़ों में, लेकिन मैंने कभी भी उनको हिंसक होते हुए नहीं देखा। जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ कहानी है कि लंबे समय से उनके बच्चे उठाए जाते रहे, उनकी किडनी और दूसरे अंग प्रत्यारोपण के बहुत से मामले आए होंगे, और उनको इस बात का क्षोभ था कि सरकार और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए गुस्से में आकर के उन लोगों ने किया। अब उन आदिवासियों में कुछ लोग ईसाई बन गए हैं या क्या बन गए हैं, और उनमें से कुछ लोग लेफ्ट पार्टीज CPI CPM के साथ जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, यह अनावश्यक प्रश्न है। इन सारे सवालों को यदि हम गंभीरता से नहीं लेंगे, सांप्रदायिकता के इसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के मामले में उठा के रख देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और प्रधानमंत्री जी को मैं कहूँगा, आप बड़ा सा एक नरम सा बयान दे करके कि कोरोना वायरस न हिंदू देखता, न मुसलमान देखता, न धर्म देखता, लेकिन आप इन मामलों में खूब जम करके ऐसे लोग जो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं उनकी खिंचाई क्यों नहीं करते, एक एक इंडिविजुअल की, एक एक संगठन की, उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करके दिखाते, ताकि सचमुच में लगे कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर ईमानदारी से गंभीर है। जागृति न्यूज ला आपण प्रथमच पाहत असाल तर जागृति न्यूज ला शेयर लाइक सब्सक्राइब करा, जेणेकरून मीडिया मध्ये काम करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन मिळेल। आणि हो, नेहमी जागृत रहा।